सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ माजरत, क्षमा, माफी, और मुझे पता आपका दिल बहुत बड़ा, आप मुझे दे देंगे माफी। गलत फहमी में मत जियो। माफी मांगने की वजह है कि आप लोगों ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं गया हुआ था गुजरात मोदी जी को जितवाने के लिए, और मोदी जी को जितवा के ही मैं आपके सामने प्रकट हुआ, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। नेवर। अब बात करते हैं हमारे असली मुद्दे की। अफगानिस्तान की भारत के साथ दोस्ती ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हिंदुस्तानी लोग अफगानियों से प्यार करते हैं, अफगानी लोग इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। Yes. और बीच में हमारे लटका हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानी लोग भी पाकिस्तानी लोगों से और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करें जितना प्यार वो भारत से करते हैं। ऐसे कैसे? अरे समझेगा? मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अफगानी पाकिस्तान को देते हैं ये बाबा जी का ठुल्लू। मोहब्बत तो दूर की बात, गाली देना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं मेरा दिमाग है। इसका सबसे ताजा उदाहरण एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मेरे साथ बने रहे। okay. अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख अफगानी लोग शरणार्थी के तौर पर रहते हैं, जिनमें से काफी लोगों के वीजा, पासपोर्ट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड जो भी होते हैं सब कुछ बने हैं, वो वही रहते हैं, खाते पीते, अपना बिजनेस व्यापार जो भी करते हैं। यहाँ तक कि इन अफगानी लोगों की मुख्तलिफ कॉलोनियां भी पाकिस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में बनी हुई है। ओके भाई। और एक अफगानी कौम ऐसी है जो पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तान की बैंड बजाती है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अफगानी और पाकिस्तानी का हो गया सामना, इसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए, और मजा ना आए तो सारे पैसे वापस। तो चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। क्या मेरा आप लोगों से बात करने का पर्पस है कि मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ एक सिटी की। okay. आप भी बता देंगे सिटी कौन सी है? साइंस सिटी है। साइंस सिटी जी? हाँ जी। डॉक्टर कदीर ने कड्डी। हाँ जी, डॉक्टर कदीर ने कड्डी। वो आपने देखना, देखने के बाद बताना कि ये कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया लग रहा है यार। आई गेस मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया मैनब्रो लग रहा है, क्योंकि ये मैंने वीडियोस देखी हुई है आपकी। आपको क्या लग रहा है? क्वेटा। अच्छा, टेल मी अबाउट कि ये आप बता देना। और ये पाकिस्तानी वीडियो के अंदर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं अहमदाबाद साइंस सिटी का, जबकि सबसे बड़ी साइंस सिटी अगर कहीं है तो वो कोलकाता में। सही बात है। इससे प्यारी अच्छी वीडियोस, अच्छी सिटी डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। लाहौर के अंदर बनी हुई है। आइए मैं आपको अभी विजिट करवाता हूँ साइंस सिटी। आपने बिल्कुल, आपने रेस कोर्स पार्क देखी? हाँ जी। मैं आपको अभी विजिट करवाता हूँ। कौन से पार्क में? ये रेस कोर्स पार्क में ही खड़े हैं हम, और आप राइट लेफ्ट देखना, सारी साइंस सिटी। और क्या है ये तो आपने जुगत लगाई है यार। जुगत नहीं लगाई, सही कह रहा हूँ। पता क्या, पाकिस्तान की कंट्री दिखाए, पाकिस्तानी हम लोग है, पाकिस्तान हम लोग है, पाकिस्तान की कंट्री दिखानी चाहिए इसमें इंडिया। पाकिस्तान की जिसमें कोई खास बात है जो मैं दिखा रहा हूँ, साइंस सिटी बनाई है भाई, हमने कोई साइंस सिटी नहीं बनाई, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ना जी। हमारा जो साइंसदान था वो तो चलो उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर कदीर साहब, अगर होते तो चलो एक साइंसदान के साथ पूरा मुल्क चला गया है, चला गया। जाहरी बात उसके उस जैसा हीरो भी नहीं है, कैद आजम था, उसके अलावा कैद आजम कोई बना नहीं जी। हर एक हीरो साइंसदान तो नहीं था, हमारा लीडर था, लेकिन उसका जो दिमाग, जो उसका चलना फिरना, वो साइंसदान से भी बेहतर था। कोई साइंस बात क्या बात है बोनस? उन्होंने जो पाकिस्तान बनाया, जो हमारे लिए जद्दोजहद की है, वो इससे भी बेहतर था। एग्जैक्टली, आप एक्यूरेट सही कह रहे हैं, लेकिन साइंस सिटी पाकिस्तान में नहीं है। और नहीं तो क्या? चले नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई अजैब घर निकाल लो, वो दिखा कर सारे दिखा चुका हूँ, लेकिन ये आपने इंडिया का कोई भी ना दिखाया करो, मुझे दुख हुआ आपने इंडिया का वो ये दिखाया। इंडिया का दिखाया तो दुख हुआ भाई, इंडिया में तो ऐसी साइंस सिटियाँ बहुत है, कितनी बार दुख करेगा, कितनी बार मातम करेगा मेरे भाई, तेरी तो जिंदगी मातम करने में निकल जाएगी। कि अगर देखें कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क ही है ना, पहले तो एक ही थे। पड़ोसी मुल्क नहीं है सर, पता क्या, पड़ोसी वो होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल करे, वो हमारा ख्याल करता, आए दिन बॉर्डर पे वो हमारे पाकिस्तान तो कत्ल कर रहे हैं। जवाब नहीं देते? जवाब देते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा है कि पहला पहल वो करते हैं ना, हम तो नहीं करते। जवाब देते हैं ना? जवाब देते हैं, लेकिन जुल्म तो नहीं ना? जुल्म जुल्म होता है जी, हमारे बहने हमारे बच्चे सभी, वो हमारा जुल्म नहीं है, जब पहल उन्होंने की फिर हमारा जुल्म बनता ही नहीं है। बिल्कुल, पहल करे तो उसके जवाब तो देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता। आप जवाब नहीं देते? देता हूँ, बिल्कुल देते हैं हमारे। आप देते हैं जी?
हमारी फौज हम फौज में से ही है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी फौजी हूँ, आप भी फौजी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप तरक्की कर रहे हो तो मैं आपके अप्रिशिएट करूँगा कि भाई आप तरक्की कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात बताइए, इंडिया क्यों हमारी तरक्की से चलता है? अब इंडिया इनकी तरक्की से चलता है तो भाई हम जल के दिखाएंगे भाई। अब और इसके लिए बुलाया मैंने महान यूट्यूबर को। भाई मेरे आग लग रही है तन बदन में, पाकिस्तान के नाम से मैं साले का गला दबा दूंगी, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दूंगी, लाहौर पर फतह कर लूंगी, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल तो मैं और भी सकता हूँ सालो, क्या करूँ, मेरे कुछ आ नहीं रहा, खून खोलता है मुझे तुम्हें देखकर। बस आज के लिए इतनी जलन काफी, बाकी फिजा खलीफा से पूछना। तो फिर तो अभी सर खुजाएंगे, अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयाँ उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे, अब ये क्या करें, कहाँ जाएं। वो गलत है आपने, जो आपने इंडिया का नाम ले लिया ना, तब से मेरा दिमाग मेरे सट भी है, देखो ना सर्दी पद्दी होगी, ये भी है सेट भी होगी। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, आई लव पाकिस्तान। देखे पाकिस्तान नाम होगा ना, बाकी सर जी मैं बता तो रहा हूँ आपको। और नहीं गलत क्या कह रहे, आप इतना डर क्यों रहे हो यार माइक से? तू जनानियां तो शर्मा रहा, सीधा आग गल कर के होके पाकिस्तानी मर्द बन तू। ये कह रहा हूं अफगानी हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानी है, इंडिया से दोस्ती है, दोस्ती आप हम अफगानी इंडिया से दोस्ती है। ये क्या कह रहे हो? ओ यार आप बोलो फिर गलत कर रहे हो हमारे साथ, आप ज्यादती कर रहे हो, घूम के कर रहे हो आप। क्यों हम पाकिस्तान पे रहती हो तो टैक्स देते हैं, क्यों आप फिर हम टैक्स देते हैं पाकिस्तान में घूम रहे हो, पाकिस्तान से गरारी करते हो, इंडिया आ जाता है। मेरी बात सुने, कल अंग्रेज इधर आए थे, उन्होंने आई लव पाकिस्तान का बोला था, नारा लगाया, क्यों वो अब क्या करे, क्या करते हैं हम, क्या करे वो बदमाशी, गुलाम तो नहीं है हम, पाकिस्तान का गुलाम तो नहीं है। कौन गुलाम है? तुम बोलते हैं हम गुलाम नहीं है, हम आजाद मुल्क है, हम अपना आजाद कहाँ से अभी तक नहीं, आजाद कहाँ से अभी तक अमेरिका का गुलामी कर रहे, सिर्फ नाम आजाद का है, आजाद तो नहीं है। आपका वजीर आजम अमरीका वाला मालूम करते हैं, हम आजाद है, 40 साल लड़ा है फिर भी आजाद है, कोई नहीं लड़ा, अफगान है, इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई वो अच्छा है तो हम उसको अच्छा बोलेंगे, क्यों अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए, पाकिस्तान ने आपको इतनी मदद दी है, क्यों इम्दाद दिया, हम पाकिस्तान से लेके जाते हैं, पाकिस्तान ने हमको इम्दाद नहीं दिया, हमने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो जाए पाकिस्तान में कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें ये पता है, पाकिस्तान पाकिस्तान क्या किया आपने, पाकिस्तान के लिए क्या किया है बताओ, सिर्फ एक बार स्लिप हो गई, ये किया बस, कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, पता क्या है भाई साहब, बात ये है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं आप पे लड़ो, मैंने तो भाई एक फैक्ट बताया था आपको कि फैक्ट, मैंने लोग मजाक कर रहे थे एसआई वाले, बात पता क्या, अफगानियों की बात और इंडिया की बात होनी चाहिए यार, आप पाकिस्तान में रहे हो, पाकिस्तान की बात आपको बताऊं कि जो अफगानिस्तानी है, जो अफगान के बंदे हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं, यही वजह पूछते हैं ना दोस्त, उनके साथ अच्छे हमसे मुदाफे, भाई ये आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपके साथ आपका दोस्त खराब होगा तो ये भी खराब ही करेंगे, क्यों पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हो, ये बात मुझे आपके साथ कारोबार या कुछ लेन देन है ना, हम किसे चीन को क्यों पसंद करते हो आप लोग, चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है, अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी है पाकिस्तान, इंडिया वाले हमारे भाई है, लेकिन दुश्मनी वाली बात, कब दुश्मनी, हमने पाकिस्तान, मेरी बात सुने ना, दुश्मनी तो यहाँ पर बनती नहीं, वो फैक्ट है, अगर वो इंडिया को लाइक करते तो हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, हमें इससे मसला ही नहीं होना चाहिए, बात पता क्या है, इंडिया को मैं जो भी, हमें खुद अपने आप को, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने, हमें खुद को अब इतना बड़ा पावर बना लेना चाहिए कि अगर इंडिया जैसे मुल्क पाकिस्तान के नाम से डरे, लेकिन अगर आप इकोनॉमी की बात, पहले मेरी बात सुने, इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम इस टाइम दुनिया के 150 कंट्रीज में भी लिस्ट में भी नहीं आ रहे, इतने डाउन हो गए, सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी गलती नहीं मानते, क्यों है ये, हम अपनी गलती नहीं मानते, गलती ये है कि सिर्फ एक हमारी गलती नहीं है, हमारे लीडरों की गलती, सर अपने लीडर पे गलती ना डालें, गलती आपकी भी है, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जो आप ये बात नहीं मान रहे, ये गलती किसकी है, ये पता क्या, गलती हमारी नहीं है, गलती किसकी, ना ये हमारे लीडरों की गलती है जिन्होंने अपनी गुलामी की है और हमें भी गुलाम बना दिया, गुलामी की है, गुलाम बात सुने, हम गुलाम नहीं है, हम कौम है, हम गुलाम नहीं है, पाकिस्तान के कौम गुलाम नहीं है, एक बंदा आपके अफगानी गुलाम है, हम नहीं है, आप इंडिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बेस की बात करते हैं खत्म करते हैं मामले को, जो इस अफगानी ने इन पाकिस्तानी की धुलाई की ना, इस धुलाई के ऊपर कम से कम दो दो कमेंट एक इंसान को करने ही करने चाहिए, ताकि अफगानी भाइयों का हौसला बुलंद हो, मस्त प्लान है, और कमेंट कर लो तो भैया लाइक भी कर देना, और इसके बाद एक शेयर करने का ऑप्शन आता है, शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके भाई के एल्गोरिथम की बैंड बच चुकी है, इसके लिए 15,000 लाइक तो करवा ही देना।
बन जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक पेड़े से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।